क्या आपको पता है, एक 16 साल के लड़के ने सिर्फ $25 से शुरू करके अपना नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया। मगर कैसे और कौन था वो? दरअसल ये बात 1946 की है, जब यूएसए में एक 16 साल का लड़का $25 में एक सेकेंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीदता है और सैलून में चले जाता है सैलून के ओनर के लिए ऑफर लेकर। वो लड़का कहता है, मैं मिस्टर विल्सन कॉइन ऑपरेटिंग मशीन कंपनी से आया हूँ और मिस्टर विल्सन ने आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भेजा है जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। हम आपको बता दें, मिस्टर विल्सन कॉइन ऑपरेटेड मशीन जैसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर उस लड़के ने ये बात उसे जानबूझकर कही क्योंकि वो ये बात जानता था कि 16 साल के बच्चे के साथ कोई भी इंसान पार्टनरशिप नहीं करना चाहेगा। फिर उस बच्चे ने कहा कि ये पिनबॉल मशीन हम आपके सैलून में लगाएंगे और जो भी आपके सैलून में आएगा, जब तक वो वेट कर रहा होगा अपनी बारी का, तब वो इस मशीन से खेल सकता है और मंथ के एंड में जो भी पैसे आएंगे हम उसे 50-50% बांट लेंगे। ऐसे करके उसने पहले दिन में $4 कमाए और एक हफ्ते बाद उसने $25 कमा लिए और उन $25 को उसने री इन्वेस्ट करके एक और पिनबॉल मशीन खरीदी और इसी तरह से एक और सैलून में लगा दिया, जिसके बाद धीरे धीरे ये बिजनेस पूरे टाउन में फैलने लगा और उसने एक साल बाद इस बिजनेस को $1,000 में बेच दिया। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। अब माना हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता, पर उनकी तरह 16 साल की उम्र में पैसे कैसे कमाने हैं ये राज आपको ज़रूर पता चल सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ कमा सकते हो रोकड़ा पानी, और वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो चलें फिर। पॉइंट नंबर 1, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री आज $12 बिलियन से भी ज़्यादा की है और ये इंडस्ट्री हर दिन बढ़ रही है। उमर कुरैशी ने 16 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाए हैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो एक बात तो साफ है कि इसमें पैसे काफ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये काम इतने इजीली कर पाओगे। पहले ये जानना ज़रूरी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। सरल भाषा में एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आपको किसी और के प्रोडक्ट्स अपने पोर्टल के थ्रू बेचना होगा, जिसके बदले में आपको एक कमीशन मिलेगा। मान लीजिए आपने ₹200 का प्रोडक्ट बेचा, तो उसके पीछे शायद आपको ₹10, ₹20 या फिर ₹50 तक का कमीशन मिलेगा। पर ये कमीशन डिपेंड करता है आप कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हो। कई लैपटॉप्स पर तो ये 5,000 तक जाता है। इसकी खास बात यह है कि ना ही उन प्रोडक्ट को आपको खरीदने की कोई ज़रूरत है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करने की। बस आपको थोड़ा सा अपने पोर्टल को प्रमोट करना होगा, जिससे ऑडियंस आपके पोर्टल पर आए और वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदे। आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने के लिए शुरुआत में शॉपिफाई और अमेजॉन एसोसिएट्स जैसी वेबसाइट्स और ऐप्स का हेल्प ले सकते हो। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, एडिटिंग। एडिटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, थंबनेल मेकर, एनिमेटर जैसे बहुत से फील्ड आते हैं। आप बेसिक से शुरू करके थंबनेल बनाना शुरू कर सकते हैं और क्लाइंट्स के लिए आप डायरेक्टली यूट्यूबर्स को मेल करके या फिर ऐसे प्रोजेक्ट करने वालों को आप मेल करके रीच आउट कर सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं अपने काम के थ्रू, और उन्हें बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो। आप शुरुआत में freelancer.com और truelancer.com जैसी वेबसाइट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको हो सकता है शुरुआत में कोई ज़्यादा पैसे ना दे, पर धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करते जाओगे आपके अमाउंट वैसे ही बढ़ते भी जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, ग्रो ऑन सोशल मीडिया। आज का टाइम और आने वाला टाइम पूरी तरह सोशल मीडिया से भरा पड़ा है और होगा भी। अगर ऐसे मौके पे आप सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हो, ना कि कमाने के लिए, तो आप लापरवाही कर रहे हो। अगर आप YouTube, Facebook और Instagram जैसे सोशल मीडिया ऐप पर फॉलोवर्स जनरेट करते हो फोटोज़ वीडियोस के थ्रू, तो आप इजीली वहां से भी अर्न कर सकते हो। Facebook और YouTube पर तो आप मोनेटाइजेशन की मदद से डायरेक्टली पैसे कमा ही सकते हो, पर Instagram पर भी अगर आपने फॉलोवर्स जनरेट कर लिए तो आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह ब्रांड कोलैबोरेशन करके भी पैसे कमा सकते हो। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत पावरफुल सोर्स है आज के डेट में अर्न करने के लिए, जिसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 4, राइटर। अगर आपको लिखना पसंद है और आप ठीक ठाक लिख लेते हो तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। इवन मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे ही शुरू की थी। आप खुद की ई बुक लिख कर डायरेक्टली किंडल जैसी वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हो। आपको इसमें कोई 500 पेज की बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप आराम से 50 से 60 पेज की बुक लिख कर भी किंडल जैसी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। आप इनिशियल स्टेज पर $1 से शुरू कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी आप अपने रेट को इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप वीडियोस में आने वाले सबटाइटल्स को भी लिख सकते हो। बहुत से यूट्यूबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनके वीडियो में सबटाइटल आए और उसकी भी अच्छी खासी कीमत मिलती है पर मिनट के हिसाब से। तो अगर आप सबटाइटल्स भी लिखते हो तो भी आपके लिए एक अच्छा खासा इनिशियल इनकम सोर्स बन सकता है। इसके लिए आप अलग अलग यूट्यूबर्स को मेल डालकर कन्विंस कर सकते हो। अगर उन्हें आपका काम पसंद आता है तो 100% आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, बुक रिव्यू। स्कूल में आपको पढ़ने के पैसे देने पड़ते हैं, पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पढ़ने के पैसे मिलेंगे, बस आपको बुक पढ़ना है और बुक को रिव्यू करना है और कंपनी उसके बदले में आपको पे करेगी अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आप इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों ही कर सकते हो। शुरुआत में आप इसके लिए onlinebookclub.org, किरकस रिव्यू जैसी वेबसाइट्स का भी हेल्प ले सकते हो। तो ये थे 5 पॉइंट जिससे आप इनिशियल स्टेज पर पैसे कमा सकते हो, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। ये सारे ही टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े हैं, इसीलिए अगर आपको इनमें से किसी का भी डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट की वैल्यू करते हैं और उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। ज्ञान सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।